Next junior, please. I really like your confidence. मुझे लगता है बहुत कमाल होने वाला है. अगर आप अंतरा के बारे में मुझे सारी बातें बता देते तो ये सब होता ही नहीं ना. अगर मैं आपको अंतरा के बारे में बता देता तो आप मुझसे कहते कि अमित आपको शादी के रिश्ते की वैल्यू नहीं है इसलिए आप तलाक के लिए उसकी हेल्प कर रहे हैं. अच्छा, तो मैं क्या सोचती हूँ और क्या नहीं सोचती इससे आपको क्यों फर्क पड़ता है. अमिता हमारी शादी हुई तो मैं आपको खोना नहीं चाहता. क्यों? क्योंकि मैं आपसे प्यार करता हूँ अमिता. प्यार करता हूँ अमिता. प्यार करता हूँ अमिता. प्यार करता हूँ अमिता. क्या वाइफ है मेरी. आपने बताने का मौका दिया नहीं ना. एक बार बताने का मौका तो दीजिए. मैं तो आपसे नाराज थी ना. क्यों? क्योंकि मैं भी आपसे प्यार करती हूँ. मैं भी आपसे प्यार करती हूँ. मैं भी आपसे प्यार करती हूँ. क्या है? पति है मेरे. मैं आपसे प्यार करती हूँ. मैं आपके बहुत पहले बहुत बुरे. मेरी मम्मी पापा ने मुझे ऐसे संस्कार नहीं दिए कि खुलेआम सबके सामने चिल्ला चिल्ला के अपने प्यार का इजहार करें. तुम जानते मुझ पर क्या बीतती थी जब भी आप बोलते थे कि मैं अकेला यूएस चला जाऊंगा. जब भी आपको देखती थी बस देखते ही रहती. जब भी आपको छूती ऐसा लगता जैसे पूरी दुनिया ही थम गई. पर आप तो बुद्धू है ना. समझ ही नहीं पाई कि मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ. आपको कभी पता नहीं चला. कुछ मत बोलना. हम तो बस यही कहते रहते थे कि मैं यूएस चला जाऊंगा आपको छोड़ के चला जाऊंगा. पर आपने कभी ये सोचा मुझ पर क्या बीत रही. कभी आपने मुझसे पूछा कि हम ना साथ चलोगे. दिमाग खराब हो गया मेरा. जब लौट रही थी हर जगह से पापे दिखाई दे रहे थे. सपने और हकीकत में कोई फर्क ही नहीं छोड़ा आपने. पागल कर दिया आपने मुझे उससे. पागल कर दिया. अमिता मेरी आंखों में देखिए सपना नहीं ये सच है. मैं आपसे प्यार करता हूँ. आप मेरी जिंदगी में नहीं आए थे. उसके पहले मेरी जिंदगी में सिर्फ नंबर्स फायदा नुकसान ये सारी चीजें थी बस. आप मेरी जिंदगी में. उसके बाद मुझे पता चला कि जिंदगी में ये सब चीजों से भी बढ़कर कुछ है. आपसे मिलने के बाद मुझे पता चला कि जिसे हम प्यार करते हैं उससे दूर होना कितना मुश्किल है कितनी तकलीफ होती. आपसे मैंने सीखा कि प्यार क्या होता. जब वो ये अनाउंसमेंट हो रहा था ना तो मुझे शर्मिंदगी महसूस नहीं हुई. मैं खुद चिल्ला चिल्ला के लोगों से कह रहा था कि हाँ मेरा नाम अमित है. मैं हूँ अमित. और ये जो अनाउंस करी हो मेरी पत्नी है जो मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती है. हाँ अमिता मैं आपसे प्यार करता हूँ. करता हूँ आपसे प्यार. बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ अमिता. आपने सच मुझे ऐसा कहा. क्या हुआ भाई. पंडित को बुला के फिर से मंत्र पढ़वा दे. अरे मोटे चुप जा यार बटुक. तू भी ना अमित अच्छा खासा रोमांटिक हो रहा था. सारा मजा किरकिरा कर दिया. पहली बार मुझे फक्र हुआ कि मैंने कानून तोड़ा.
थैंक यू सर। अरे अब चले, सबको तो मुझे ही छोड़ना है, मैं अकेला ही हूँ जो गाड़ी ला पाई वहाँ पे। हाँ आ रहा हूँ मोटे, चिल्ला मत। चले आप रहने दीजिए, सामान मैं भिजवाता हूँ, आप जाइए आराम। यार मुझे तो अभी तक यकीन नहीं हो रहा, मुझे भी, कि एयरपोर्ट पर एक चीज सैंडविच 200 रुपए का है। यार 200 रुपए भर दिए मैंने सैंडविच के लिए। यार अबे मोटे, यहाँ इतनी अच्छी खासी लव स्टोरी चल रही है और तुझे अपनी चीज सैंडविच की पड़ी है। अबे इनकी लव स्टोरी सेलिब्रेट करने की खुशी में तो मैंने चीज सैंडविच लिया था। हेलो प्रीति। अमिता, वो प्रीति कुछ इम्पोर्टेंट बात करना चाहती है। हेलो अम्मू, आज ना मैं बहुत 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 खुश हूँ। मैं भी। अब हाँ बता ना, तू क्या जरूरी बात बताना चाहती थी? न्यूज ये है कि अगले हफ्ते मैं और संजय शादी कर रहे हैं। क्या सच? अगले हफ्ते? अगले हफ्ते संजय प्रीति शादी कर रहे हैं। वाओ, कांग्रेट्स कांग्रेट्स। अम्मू अब हाँ 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 प्रीति बोल। अच्छा वैसे शादी ना यहाँ नहीं हो रही है, मेरी नानी के घर पे नैनीताल में होगी, और तुझे और अमित को जरूर आना है, समझी? मैं और अमित जरूर आएंगे। अच्छा एक बात बता, तूने अमित को हक किया कि नहीं? हो प्रीति बदतमीज कहीं की, ऐसे कोई पूछता है क्या? क्या कह रही है प्रीति? अब अच्छा बता ना अमित को मैं क्या पूछ रही हूँ, बता बता। अब प्रीति तू जिग्ना से बात कर ना, तुझे तो मैं आके देख लूंगी। जिग्ना तू ही बात कर। क्या कह रही है प्रीति? वो अब कुछ नहीं, वो पागल है, वो कुछ भी बोलती रहती है। क्या हुआ, अभी भी नहीं उठा रही है फोन? जमाना कितना बदल गया है ना। वैसे तो रोहन के पापा भी बिजनेस के सिलसिले में हमेशा बाहर रहते, लेकिन मैं तो कभी मायके जाकर नहीं बैठ गई। लेकिन अमिता तो अमित के जाने से पहले ही मायके चली गई। ये इतनी छोटी सी बात नहीं है, सॉरी ऐसे कहना नहीं चाहिए, बट मुझे ऐसा लगता है कि अमित और अमिता के बीच में जरूर कोई प्रॉब्लम। वरना अमिता ऐसे घर छोड़ के जा ही नहीं सकती। शायद तुम ठीक कह रही हो रिया, और वैसे भी औरत का रिश्ता ससुराल से पति की वजह से होता है, लेकिन अगर पति से रिश्ता नहीं रहेगा तो रोटी ना जरा सोच के बोल दिया करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। भाभी मैं भी यही चाहती हूँ कि ऐसा कुछ नहीं हो, लेकिन अगर ऐसा कुछ हुआ तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अमिता गई क्यों। बालकुनी जरूर कोई बात हो, वरना अमिता एक समझदार लड़की है, वो इस तरह कभी। सॉरी किरण भाई, आपकी मैं बात काट रही हूँ, रियली सॉरी, लेकिन अगर वो इतनी समझदार होती तो इस वक्त यहाँ पर होती, अपने परिवार वालों के साथ, वहां जाकर नहीं बैठी होती। अमिता
कुछ भूल गई थी क्या? बोले नहीं आई हो, छूट गया मेरा परिवार। तुम्हारी फ्लाइट मिस हो गई। अब अगली फ्लाइट तो परसों की मिलेगी। अब यू डोंट वरी, मैं एजेंट से बात करता हूँ और फ्लाइट बुक करवा लेता हूँ। रोहन, फ्लाइट छूट नहीं, मैंने छोड़ दी। मैंने यूएस ना जाने का फैसला किया। क्यों किदू? अमेरिका नहीं जाना है? अमित ये क्या बचपना लगा रखा है तुमने? तुम कोई दूध पीते बच्चे हो जो अभी कहते हो मुझे स्कूल जाना और अभी कहते हो मुझे नहीं जाना है? काका, आप प्लीज नाराज मत होइए। अभी अभी इसकी शादी हुई है तो शायद इमोशनल हो गया होगा। अब हर कोई आपकी और मेरी तरह तो होता नहीं जो काम को ही अपना सब कुछ समझे। रोहन, मैंने उससे पूछा था कि तू अमेरिका जाना चाहता है या नहीं, तब उसने हाँ कहा था। फिर मैंने ये भी पूछा था कि अमिता को साथ लेकर जाना चाहते हो, भाई साहब ने मना कर दिया। अब जब सारा इंतजाम हो चुका है तब भाई साहब कहते हैं मुझे अमेरिका नहीं जाना है। पर पापा, चुप कर। तुझे क्या लगता है ये दुनिया तेरी मर्जी से चलती है? पापा जी, अब क्या है? ये देख, ये क्या कर रही हो तुम? अमित इतनी बड़ी गड़बड़ कर दी और तुम ये लैपटॉप लेके बैठ गई, क्या है इसमें? आप खुद ही देख लीजिए ना। रोहन भैया, आप बैठ जाइए। क्यों? क्योंकि कुछ देर में आपके पैरों तले जमीन खिसकने वाली है, तो आप बैठ जाइए, आसानी होगी ना। देखिए देखिए, वाइस इन्वेस्टमेंट्स मेरी कंपनी। और मैं तो आपके भले के लिए कह रहा हूं कि अगर आप शाह स्टॉक्स एंड ट्रेडर्स के साथ काम करेंगे तो डेफिनेटली नुकसान ही होगा, लेकिन अगर आप वाइस इन्वेस्टमेंट्स के साथ काम करेंगे तो कंफर्म प्रॉफिट होगा। और अमित के यूएस जाने के बाद शाह स्टॉक्स एंड ट्रेडर्स के सारे क्लाइंट्स मैं यहां खींच लूंगा। इसीलिए तो उसके यूएस जाने का प्लान बनाया। रोहन, ये क्या अभी आप यही कहेंगे? अमिता का शक गलत था? अब इसके बाद और क्या सबूत चाहिए आपको? क्यों टीना? सत्ता में
निकल मेरे घर से। मॉम मॉम मत कहना मुझे, शर्म आ रही है मुझे तुझे अपना बेटा कहते हुए। मेरे अमिता की बहुत पहले क्यों रही मानी, मैं अब भी यहाँ पर खड़ा हुआ है तू? जा अपने काका के पैर पे गिर के माफी मांग उनसे। तेरा गुना माफी के काबिल तो नहीं है, लेकिन माफी मांग, पैर पे गिर और निकल यहाँ से। माफ कर दीजिए, पैसों की लालच में मैं अंधा हो गया था। आज तक आपने मुझे बेटा ही समझा है ना, बेटे की एक गलती माफ नहीं करेंगे, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। क्यों और बेटा क्यों, ये सब क्यों किया तुमने? तुम्हें क्या ये लगता था कि तुम ये सब करोगे तो अमित की जगह ले पाओगे? नहीं रोहन, मैंने तुम्हें सीईओ जरूर बनाया, लेकिन मेरे बाद मेरी जगह अमित ही लेगा। इसलिए नहीं कि वो मेरा बेटा है, बल्कि इसलिए कि मैं देख रहा हूं कि वो तुमसे ज्यादा मेहनती और काबिल है। तुमने ये जो चाल चली इसमें मैं थोड़ी देर के लिए फंस जरूर गया था, बड़े हमारी भूल थी। मुझे लगा कि अमित आजकल कुछ ज्यादा ही लापरवाह सा होने लगा है, लेकिन हीरे पर अगर धूल चढ़ भी जाती है फिर भी वो हीरा ही रहता है। आज तूने ये जो गुनाह किया है ना, मैं तुम्हें पुलिस में सौंप कर रहूंगा। पापा जी प्लीज, पापा जी एक सेकंड, मेरी बात सुनिए प्लीज। ऐसा मत कीजिए, आप ही ने मुझे सिखाया है ना कि परिवार को बांध के रखना कितना मुश्किल होता है। आज अगर आपने रोहन भैया को पुलिस में दे दिया तो ये परिवार टूट जाएगा पापा जी। और रोहन भैया की गलती की सजा सिर्फ वो अकेले नहीं भुगतेंगे, इनके साथ धवल काका, काकी और रिया को भी मिलेगी। रोहन भैया ने जो किया सो किया, उन्होंने अपनी गलती मान ली, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। अमिता सही कह रही है, गलती मेरी है। हो सकता है कि शायद मैंने रोहन को आगे बढ़ने का मौका ना दिया, उसको पराया करके हम एक गलती कर चुके हैं, तो उसे जेल भेजकर सच में पराया मत बनाइए। अमित मेरे भाई, आज तुमने साबित कर दिया कि तेरा दिल कितना बड़ा है। मुझे माफ कर दे। किरण भाई एहसान करते हैं ना, प्लीज मुझ पे भी आज एक एहसान कीजिए। इससे कहिए कि मेरी नजरों के सामने से दूर चला जाए, कहिए इससे। टीना शांत हो जाओ, इस घर के दो लोग बेटे हैं, दोनों में से अगर कोई एक भी चला गया ना तो ये घर बिखर जाएगा। रोहन भी मेरे अपने बेटे जैसा है और एक माँ अपने बेटे की हर गलती को माफ कर देती है। किरीट मान जा बेटा, मान जाइए दामाद जी। पापा मान ही जाओ प्लीज। पापा जी ठीक, अगर आप सभी लोग यही चाहते हैं तो मैंने रोहन को माफ कर दिया। काका थैंक यू वेरी 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 मच। अब देखना मैं सास टॉक्सिन रिड्यूस को कहां से कहां ले जाता हूं। एक मिनट, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई। रोहन तुम इस घर में तो रह सकते हो, लेकिन
आज के बाद शाह स्टॉक्स एंड ट्रेडर्स से तुम्हारा कोई नाता नहीं रहेगा। तुम मेरी कंपनी और मेरे बिजनेस से दूर रहोगे। पर पापा, अमित, मैं यह फैसला ले चुका। सॉरी बेटी, मैंने किसी तीसरे की बात पर भरोसा करके तुम पर शक किया, मुझे माफ कर देना। एक बात बोलूं बेटा, तू यूएस जा रहा था ना, तो इस पूरे परिवार में सबसे ज्यादा दुख मुझे पहुंचा था। मैं जानती थी सिर्फ एक ही शख्स है जो मेरे बेटे को घर ला सकती थी, वो है मेरी बहू। अब ये भरत मिलाप ही चलता रहेगा या कोई खाना भी खाएगा? अब अमित आ गया है ना, अब तो खाना खाओ। Please. I really like your confidence. मुझे लगता है बहुत कमाल होने वाला है।